जब आप सो रहे थे तो शहर में क्या हो रहा था? बताएगा आपको रात का। अभी तक आप यही सुनते आए होंगे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम आपको एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस कहावत को उल्टा करती है, यानी कि पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। दोस्तों भले ये बात आपको अजीब सी लगे, लेकिन दोस्तों छत्तीसगढ़ में ये जगह मौजूद है और ये बात 100% सच है। इस रहस्यमय और अजूबे वाली जगह की खोज हाल ही में हुई है। अब वैज्ञानिक भी इसकी सच्चाई जानने की कोशिश में जुटे हैं। उल्टा पानी के नाम से जाने जाने वाला ये इलाका अंबिकापुर से 56 किलोमीटर दूर मैनपाट की गोद में बसे बिसर पानी गांव में है। स्थानीय भाषा में इसे बिसर पानी कहा जाता है, यानी कि पानी का रिसना। यहां पर सड़क के किनारे एक छोटे से पत्थर के नीचे से निकलकर पानी की धारा ऊपर की ओर 2 किलोमीटर तक का सफर तय करती है। मैनपाट के बिरसा पानी नाम से मशहूर हो चुके इस स्थान पर पहुंचते ही इंसान की आंखों को धोखा हो जाता है और हैरान कर देने वाला नजारा उनके सामने आ जाता है। इंसान व विज्ञान की मान्यताओं को झुठला कर यहाँ 4 साल पहले ग्रामीणों द्वारा बनाई गई मेड में पानी एक ही धार में नीचे से ऊपर पहाड़ के टीले जैसे स्थान से घूमकर दूसरे पार एक फ्लो में बह रहा है। इसे देखकर बोलना ही होगा, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। वाकई में ये जगह काफी अजब है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता की चादर ओढ़े मैनपाट में अब तक भगवान बुद्ध के मंदिर, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट जैसे दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ के बारे में एक और काफी प्रचलित बात है, यहाँ की धरती जलजली है। हाल ही में रिसर्च में भी जारी किया गया कि मैनपाट में प्राकृतिक जल स्रोत से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला बेजोड़ नमूना है जो अभी मशहूर नहीं है। जी हाँ, उल्टा पानी की खोज किसी वैज्ञानिक या रिसर्चर के जरिए नहीं हुई बल्कि बिरसा पानी पंचायत के ग्रामीणों ने की है। दोस्तों घास का तिनका डालकर पता चल पाता है कि ये पानी वाकई में ही उल्टी दिशा की ओर बह रहा है। ग्राम पंचायत बिरसा पानी में ऐसी कोई भी जमीन नहीं है जो पानी ना उबलती हो। यहाँ का वाटर लेवल काफी ऊपर है, इसकी वजह से ग्रामीणों को खेतों की सिंचाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ग्रामीण इस स्थान को पर्यटन दृष्टिकोण से सुरक्षित और संरक्षित बनाना चाहते हैं ताकि मैनपाट में भी लोग अन्य प्रदेशों से घूमने आ सके। ऐसी जगह पर भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि ऐसा उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाकों में भी देखा जाता है। इसका रहस्य जानने के लिए मुकम्मल शोध की जरूरत है। दोस्तों शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि नेपाल में भी एक जगह ऐसी है जहां पानी उल्टा बहता है।